क्वेश्चन हमारे पास ये लो, स्फीयर ऑफ मास 10 केजी एंड रेडियस 1/2 मीटर इज जस्ट रिलीज फ्रॉम ए इंक्लाइन प्लेन हैविंग रफनेस हमें दे दी 2.5, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो एफ आर क्या देगा, न्यू इंटू एंड न्यू हमारे पास क्या, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे नीचे की तरफ और एक इधर, एम जी कॉस थीटा ये कितना देगा 50 न्यूटन और एम जी कॉस न्यूटन कॉस 30 डिग्री 50√3। तो न्यू इंटू एन, न्यू हमारे पास है 2/5 इंटू एन 50√3, तो 20√3 हमारे पास क्या रहा है, एफ एस मैक्स आ रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कितना लग सकता है 2/5 एफ, तो 2/5 इंटू एफ कितना हमारे पास 50, तो 20 न्यूटन लग सकता है। तो एफ नेट कितना आ गया हमारे पास, एफ नेट हमारे पास आ गया 30 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में पूछा एक्सेलेरेशन ऑफ द मास एसीएम, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स पूछा था, वो कितना लगेगा हमारे पास 20 न्यूटन लगेगा, एफ नेट हमारे पास 30, तो सेकेंड पार्ट एसीएम सेंटर ऑफ मास एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एफ नेट डिवाइड बाय में मास 10 वो कितना देगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ओके, थर्ड पार्ट में पूछा गया है एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ स्फीयर, अल्फा बताना है कितना होगा, अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास ए इक्वल टू आर अल्फा हो गया, तो ए कितना है हमारे पास 3 इक्वल टू आर 1/2 इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, और टाउ अल्फा से भी हम इसे निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है टाइम टू रीच बॉटम हमें बताना है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² + 54, इनिशियल हमारे पास क्या है 0 है, रेस्ट में है, एक्सेलेरेशन 3 इंटू टाइम हमें निकालना है, तो टी स्क्वेयर इक्वल टू कितना जाएगा 54 × 2/3, तो 36, तो टी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6 सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है लीनियर वेलोसिटी विद विच स्फीयर रीच टू बॉटम, लीनियर वेलोसिटी वी बताना है हमें ये कितनी वेलोसिटी से बॉटम तक पहुंचेगा, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी फिफ्थ पार्ट, तो वी इक्वल टू यू जीरो ए कितना है हमारे पास 3 × 6, ए 3 है और टाइम कितना है 6, तो 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या आएगा ये बॉटम की तरफ आएगा। नेक्स्ट पार्ट में पूछा एंगुलर वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीच टू बॉटम, एंगुलर वेलोसिटी बताना है जब बॉडी पहुंच जाए, तो 6 बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास आर डब्ल्यू आर क्रॉस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा वी बाय में आर, वी 80 / 1/2 यानी कि 18 × 2, तो 36 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सेवेंथ पार्ट में पूछा गया हमें एंगुलर वेलोसिटी हो गया, न्यू मिनिमम बिटवीन स्फीयर एंड इंक्लाइन प्लेन सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग, न्यू मिनिमम बताना है जब क्या हो नो स्लिपिंग हो इनके बीच, तो हमारे पास क्या होता है सेवेंथ पार्ट न्यू मिनिमम हमें निकालना है, तो एफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है न्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास है 20, तो न्यू कितना है हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कितना है 20, और न्यू हमारे बताना है न्यू मिनिमम, एन कितना लग रहा है 50√3, तो न्यू मिनिमम हमारे पास क्या हो जाएगा 20 √3, तो 2/5√3 हमारे पास क्या आ गया न्यू मिनिमम। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है इफ रफनेस इज अबो एग्जाम्पल, इफ न्यू मिनिमम इज हाफ देन फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर न्यू मिनिमम को ही हाफ कर दिया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स और सेंटर एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लगेगा वो हमें बताना है। एट पार्ट में कहा है अगर न्यू मिनिमम को क्या कर दिया जाए हाफ कर दिया जाए, तो न्यू मिनिमम को अगर हाफ कर दिया जाए तो न्यू मिनिमम कितना हो जाएगा हमारे पास, न्यू मिनिमम है 2/5√3 × ½ कर दिया जाए इसको, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास न्यू मिनिमम कितना आ जाएगा 1/5√3 हमारे पास न्यू मिनिमम आ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा
न्यू इंटू एन, न्यू इंटू हमारे पास फाइव रूट थ्री इंटू एन कितना है, फिफ्टी रूट थ्री, तो कैंसिल, तो हमारे पास कितना है देगा, टेन न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया हमारे पास, टेन न्यूटन आ गया। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स टेन लगेगा, और अगर हम देखें इससे तो ट्वेंटी लग रहा है, तो हमारे पास एफ एस मैक्स ही टेन न्यूटन है, तो ट्वेंटी कैसे लग सकता है, तो टेन लगेगा तो नीचे की तरफ कितना लगेगा, अप्लाइड फोर्स फिफ्टी है, तो नेट हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, फोर्टी न्यूटन, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कितना है फिफ्टी। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, एसीएम एट नाइन पार्ट एक्सेलेरेशन 40 डिवाइड बाय में 10, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, दैट इज द आंसर।